हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनुपमा, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा लाइफ स्टाइल में। तो गाइज, ये मैं दी के यहाँ गई थी, उनके यहाँ डोसा पार्टी थी तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैं गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं डोसा की। तो उन्होंने बैटर तैयार करके पहले से रखा था, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद से बनाऊँगी तो मैं अच्छे से आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये आप देख सकते हो, आपको मतलब जो चावल होता है ना उसको रात में भिगो लेना है, मॉर्निंग में पीस लेना है। कम से कम आपको 12 घंटे पहले बैटर तैयार करके रखना है और उसके बाद आपको बनाना है रात में। तो इन्होंने रात में भिगो लिया था, उसको मॉर्निंग में पीस लिया था, फिर ये रात में बना रही थी। तो ये देख सकते हो, उसको आपको एक तवा जो आता है डोसा वाला उसको लेना है और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। फिर आपको जब वो आधा सीख जाएगा तो हाई, और आपको हाई फ्लेम पे ही इसको सेकना है। फिर आपको उस पर घी लगाना है, आपको जो भी आपको फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो ना भी लगा सकते हैं। और उसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन रहा है ना, और बस इसको आपको मोड़ लेना है। ये पेपर डोसा है, जैसे कि आप ऐसे भी आप आलू वाले जो डोसा होता है वो भी बना सकते हैं, पनीर डोसा कुछ भी बना सकते हैं, बट ऐसे ही बनाना था। और ये है सांभर जो बन के तैयार है पहले से। और गाइज, ये हूँ मैं, देख सकते हैं डोसा पार्टी हो रही थी। तो ये जब दी थोड़ा सा डाल के चली गई थी तो मैं उसको देख रही थी उलट पलट। तो और लास्ट में मैं भी बनाऊंगी, मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मैं खुद से बनाऊँ, मैंने पहले अभी कभी नहीं बनाया है। तो गाइज, यहाँ पे आयरा है और बाबू है, यानी कि दी का बेटा है और एक और बाबू है। तो यहाँ पे सबकी मस्ती चल रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं लोगों का वीडियो। तो देखो तो ये सब देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डोसा खा रही हूँ, यहाँ पे मैं और आयरा यहाँ पे डोसा खा रहे हैं, यानी हमारा डिनर हो रहा था। यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, डोसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो, मैंने बैटर को डाल दिया है और उसको धीमे धीमे अपने हाथों से, हल्के हाथों से उसको फैलाना है। और लगभग थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था, मतलब उतना अच्छा नहीं कहेंगे, आप देख सकते हैं साइड से थोड़ा ख़राब हो गया है, बट फिर भी कहेंगे हाँ अच्छा हो गया है। और ये देखो, ऐसे ही आपको जितना आपका बैटर पतला रहेगा उतना सही रहेगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, सेक लेना है। देखते हैं बन के तैयार है डोसा, कितना अच्छा बना है ना। गुड इवनिंग, अभी इवनिंग का टाइम है, यानी कि 5 बज रहे हैं और आज मैंने पहना है ये देखो साड़ी, फूल नहीं दिखा मैं देखिए, ये मैंने बहुत ही मतलब सिंपल साड़ी है गाइस। तो मैंने आज मैंने कैरी किया है इसको और बहुत हल्का है। और कल मैंने थोड़ा सा वीडियो अपना शूट किया था तो मैं ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, उसके बाद मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि कल मैं ये चीज़ दी यहाँ उनके यहाँ डोसा पार्टी था, तो उस वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था डोसा का। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैंने नहीं बनाया था, थोड़ा सा मैंने बनाया था बट दी ने बनाया था। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो फुल मतलब रेसिपी कैसे बनाते हैं, कैसे बैटर तैयार करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारा रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो उसके बाद मैं आई थी, उसके बाद मैंने कैमरा नहीं छुआ था, रख दिया था। तो मैं नेक्स्ट डे आज इवनिंग में मतलब कैमरा उठाई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ वो बातें। और तो यही सब है। और अभी आयरा सो गई थी, आज आयरा बहुत मार खाई है क्योंकि आयरा बहुत चीज़ें मतलब नुकसान कर दे रही है, तो आज आयरा मार खा गई है गुस्से में। तो और उसके बाद आयरा को मम्मा ने लाड़ प्यार लगाया, फिर आयरा सो गई थी और आयरा आयरा पूरे टाइम कुछ ना कुछ करती रहती पूरा बात, मतलब मैं 2 सेकंड के लिए मेकअप लगा रही थी, उसने लिए मैं लेके गई और पूरा जितना मेरा पाउडर था पूरा मतलब पूरा डब्बा ही बड़ा, इतना बड़ा डब्बा था, सारा खाली कर दिया, यानी कि नीचे सारा फेंक दी। और मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नुकसान ही करती है आयरा, तो यही सब चलते रहता है एक छोटे बेबी के साथ। आज आयरा मार खा गई है मम्मा से। तो अभी जब आयरा मैं यहाँ पर डील कर रही थी और आयरा कहती चुपके से आके दरवाज़ा खुल, मुझे दरवाज़ा कैसे खुल गया, आयरा आके बैठी हुई थी चुपचाप सोची कि मम्मा को ना डिस्टर्ब करे। तो यही सब है गाइस। तो ये रील बनाने के लिए मैंने सारी कैरी किया था, लेकिन अभी मैं सोची थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये रूम थोड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है तो आप लोग इसको इग्नोर करिएगा, 1 सेकंड रुको मैं। तो गाइस, आयरा क्या करती है पूरे टाइम कुछ ना कुछ शैतानियाँ करती रहती है। अभी सारे कपड़े मैंने धुले थे, बारिश आ गई थी तो मैंने हटा के रख दिया था, और अभी सारे कपड़े मेरे फर्श पे पड़े हुए हैं क्योंकि आयरा सारा फेंक दी। कितना इसको अच्छी पाई है मेरी दुलारी बेटी है, मन्नत में मैंने मांगा है इसको, कभी गुस्सा। मम्मा मारी थी बेटों को, आज आयरा पिटाई थी मम्मा। क्या बेटा, क्या लगा है, कुछ लगा है क्या, निकाल दो मम्मा किसी के जो मीठी वाली।
आपकी तो मिठवा सब आप एकदम प्यारी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी है मेरी, प्यारी मेरी जान है मेरी, चुटरू बाबू है, चुटरू बाबू है, चुटरू बाबू। मम्मा प्यार तो बहुत करती है आयरा से, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो आयरा से पिटा जाती है। तो ये सब है गाइज, मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। गाइज गुड इवनिंग। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ मैंगो शेक बनाने, क्योंकि मुझे मैंगो शेक पीने का मन हो रहा है, भूख भी लग रही है। तो एक मैंगो बनाऊंगी, तो ये देखो एक मैंगो है। और तुमको भूख लगी है? भूख के नाम लो तो आयरा को भी लगती है। अभी चलेंगे बस मैंगो शेक बना रहे हैं। आयरा को चिप्स लेना है और चॉकलेट लेना है, तो आयरा को लेके जाएंगे अभी यहीं पास के दुकान पे। तो बस तो मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ, भूख लग रही है यार। मैंने पहले सोचा कि चलो इवनिंग का टाइम है तो चाय बनाते हैं, बट फिर मैंने सोचा कि चलो चाय नहीं शेक बनाते हैं अभी, बाद में चाय बनाएंगे। अभी 5 बज रहा हो, उठाओ सर बोतल, क्यों गिरा दी आया। गाइस जी हमारा शेक बन गया, ये देखो गिरा मतलब डाल देंगे। और इसमें आयरा ली है छोटे से गिलास में, आयरा बॉटल में पियेंगे अभी। देखो आयरा अपना बॉटल में दे दिया मैंने उनको। वाओ बहुत अच्छा बना नहीं रहा। बहुत अच्छा बनाया मैंगो शेक पीने से, मतलब बहुत दिमाग ठंडा हो जाता है। गाइस मैं जा रही हूँ शॉप यानी कि दुकान किराने की, यहाँ पे आयरा का चिप्स एंड चॉकलेट लेने के लिए। और आयरा कहाँ, आयरा अरे कहाँ गई, क्या है खड़ी है जाने के लिए। शॉप जा रहे हैं हटो। तो ये देखो आयरा स्लीवर पहनेंगे फिर चलेंगे हम लोग। हम लोग आ गए हैं नीचे और शॉप जा रहे हैं आयरा को कोई खरीदवाने के लिए चिप्स चॉकलेट, परेशान करके रखी है। ये देखो पीछे को भी हूँ, अच्छा सीधे चलो आयरा को रुको दिखाती हूँ। ये आयरा, आयरा को देख सकते हैं कितनी खुश है नीचे आके मस्ती कर रही है। ये देखो गाइस कदम का पेड़, इसमें कितने सारे कदम निकले हुए हैं, ये हमारे कैंपस में ही है। ये देखो यार आप क्या कर रही हैं। ये आलू का चालू कहाँ जा रही हो? देखो गाड़ी आ रही किनारे से चलते हैं। गाइस हम लोग आ गए शॉप से, ये देखो आयरा के लिए चिप्स कुरकुरे चॉकलेट सारा कुछ आया है। और आयरा देखो आयरा को लेके जाने लग रही है यार, बहुत ये देखो पीछे का व्यू। तो अब चलेंगे ऊपर तब आयरा खाएंगे, चलो उधर ना तब ना खाओगी उसे मुझे भाभी को। अरे रू बहुत चिट्टी है यार, अरे रू कितना चीटी था यार, पूरे पैर में काट लिया, इतना चीटी है यार पूरे पैर में काट लिया, बहुत जलन हो रही है। आयरा को यार उस वाले गेट से निकाल के लाते हैं पार्क में है, और मेरे पैर में बहुत जलन होने लगी, इतना चिट्टी था ना ये जहरीला चिट्टी था। चलोगी कि नहीं चलोगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बहुत रखे क्या फिर पानी मजा। हाँ आयरा, आयरा अपने लिए, आयरा के लिए मैं ले ये लाई हूँ चिप्स, और अपने लिए मैं एक फूल ली थी कुरकुरे, मुझे खाने की थोड़ा सा इच्छा। तो आयरा जब देखे कि मम्मा कुरकुरे लेके बैठी है तो मम्मा का लेके बैठ गई, ये देखो खा रही है कुरकुरे, ठीक है नहीं लग रहा है?
अरे खा ले बाबा, हमारा चीतू बाबू है ना, खाएगा। अब इसीलिए लाए ना, रुको तुम्हारा तीखा नहीं लगेगा, तीखा लगेगा तो ये पी लेना, मीठा लगेगा उसमें मजा बना है ना। तो ये देख सकते हैं हमारा और आयरा का हो रहा है, और आयरा जैसी है पहले क्या करती थी आयरा ना, कि सबको दे देती थी, लेकिन जितनी बड़ी हो रही ना धीरे धीरे एक मुंह में डालने तक नहीं देती, छुप के धीरे धीरे देख लेगी तो हाँ मुँह तक आएगी देखना। हमको अपना चिप्स दे देगी, लो तुम चिप्स का दोनों पाएगी पूरे पकड़ी, ये देखो दोनों ले ली पैकेट, मालकिन है ना आयरा, गिर जाएगा। ये देखो गाइस अभी मैंने आरती किया है, अभी बच रहे हैं 8, तो अब बस डिनर की तैयारी होने वाली है, अब डिनर करेंगे। आयरा गई थी चिप्स चॉकलेट लेके आई हैं, और मुझे थोड़ा सा भी मैं अपने लिए लेके आई थी कुरकुरे, बट खाने नहीं दे रही थी यार, तो ये बैठी है उधर है। ये देख सकते हैं मैं और आयरा यहाँ बैठे हैं कारपेट पे, और इनके पापा उधर खा रहे हैं लिविंग रूम में, हम लोग रूम में आ गए हैं, और यहाँ पे मैं और आयरा बस खा रही है, देखो नीचे बैठ गए हैं कारपेट पे। यम्मी 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 यम्मी। गाइज अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, और हमारा काम फिनिश हो गया है लगभग, मैंने सारा काम कर लिया, मतलब डिनर हो गया है और किचन भी साफ सफाई सारा है। हाँ बॉल है, ये दिखा दो, बॉल है, बॉल बॉल बॉल, सॉरी। अब मैं जा रही हूँ आयरा की मालिश करने सरसों के तेल से, क्योंकि आयरा बहुत थक जाती है यार, इधर उधर पूरे टाइम मतलब चलती रहती है, कूदती रहती है, चोट लग गया बॉल से। ओहो ध्यान से बॉल दिखा दो अपना, चलो बॉल दिखाओ। ये देखो गाइस आयरा का क्या है, बॉल है आयरा का। कौन लाया आयरा? पापा। पापा की मम्मा? पापा। पापा ले है? अच्छा आयरा के पापा ले बॉल, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं तेल नहीं, तेल नहीं लेना है, एक तो पूरा पाउडर खराब कर, जब तेल खाओगे पूरा लपेट होगी। तो गाइस मैं जा रही हूँ आयरा की मालिश करने, आयरा थक गई, नहीं 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 रखेंगे नहीं, और अब मैं जा रही हूँ आयरा की मालिश करूँगी, फिर आयरा को दूध दूंगी, मतलब 12 बजे तक मेरा चलते रहता है इनके साथ, क्योंकि 12 बजे तक ही सोती हैं और उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो अब उसको खार क्यों रही हो, ये रख क्या कर रही हूँ। बाय कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले, अगर आपको जैसा भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं वैसा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट टाइम। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अब मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है आप लोगों को, मिल जाएगा जल्दी से, और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलो गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। फ्लाइंग गिफ्ट दे दो, मेरा परेशान है कि लेके चले जाए अपना वो तेल और पूरा बर्बाद कर दें, इसी के लिए परेशान है वो बस। तो चलो पापा।